हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था अबाउट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय जे एम किन्स। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। हम लोगों ने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस देखा है, उसके बाद हम लोगों को रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस देखना है बचा हुआ है, और एक उसके बाद आता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंस समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इसका जरूरत क्यों पड़ा, व्हाट वॉज द नीड एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू, ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट से कैसे डिफरेंट अलग है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, हम लोगों को एब्सोल्यूट क्या बोलता था, एब्सोल्यूट बताता था कि कंजम्पशन विल बी द फंक्शन ऑफ करंट डिस्पोजिबल इनकम। आपका कितना जितना इनकम है कंजम्पशन उसी का फंक्शन होगा, अगर ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये घटेगा, इसमें कुछ ड्रॉबैक था। फिर आया रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम क्या बोलता था कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि आपका जो है कंजम्पशन आपका इनकम का फंक्शन नहीं, रिलेटिव इनकम का फंक्शन है, करेंट रिलेटिव इनकम का फंक्शन है। बट परमानेंट इनकम क्या बोलता है, इस दोनों फैक्ट को गलत कर दिया, या इस दोनों फैक्ट जो बेस था इस दोनों का उसी को हटा दिया। ये इस दोनों में बेस क्या था, करेंट इनकम, यहाँ पे एब्सोल्यूट करेंट इनकम, यहाँ पे रिलेटिव करेंट इनकम। बट परमानेंट बोलता है क्या भाई, आप बेस जो है परमानेंट इनकम को बनाओ कि हमेशा जो कंजम्पशन होगा वो फंक्शन होगा नॉट करेंट, इट विल बी द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। ये पी का मतलब क्या है, परमानेंट इनकम। अब बात आता है कि ये फिर हम लोग तो पढ़ लिए कि ये परमानेंट इनकम का फंक्शन होगा, बट ये परमानेंट इनकम है क्या, अब हम लोगों को ये जानना है। तो परमानेंट इनकम, अब यहां पे दो कंसेप्ट आता है, एक है परमानेंट इनकम, और एक है ट्रांजिटरी इनकम। परमानेंट इनकम क्या होता है और ट्रांजिटरी इनकम क्या होता है, हमें ये समझने की जरूरत है। तो परमानेंट इनकम ये ऑल दी इनकम एंटिसिपेटेड, परमानेंट इनकम मीन्स जितना आपके पास इनकम है, टोटल इनकम है, जहां से आप इनकम, ऐसा सोर्स जिससे आप इनकम को एंटिसिपेट, या फिर यू कैन एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट सम इनकम एट रेगुलर पीरियड, मीन्स जस्ट एग्जाम्पल लीजिए, एक आप अगर जॉब कर रहे हो देन यू विल गेट सैलरी ईच मंथ, सो दिस वन विल बी द परमानेंट इनकम। एंड वट विल बी द ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी इनकम क्या है कि आप ओवर टाइम कहीं पे कर रहे हो तो उसके बदले आपको अलग से रुपया मिल रहा है, आप कहीं पे बोनस कर रहे हो तो ये है ट्रांजिटरी इनकम। ओके, सो देखिए लॉटरी जीतो मीन्स सडन आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या आप किए हो फॉर द एक्स्ट्रा एडिशन इन द इनकम। परमानेंट तो फिक्स है कि आपको उतना तो मिलना है, या फिर परमानेंट इनकम फिक्स्ड है, बट ट्रांजिटरी इनकम में क्या, ट्रांजिटरी इनकम आप कुछ कर रहे हो अलग से इन द एडिशन ऑफ परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम में एडिशन के लिए आप जो कर रहे हो वो है ट्रांजिटरी इनकम। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल अगर हम लोग लॉटरी जीत गए तो वो है एग्जांपल, या फिर लॉटरी को रख सकते हैं, या फिर हम लोग बीमार हो गए तो हम लोग निगेटिव, अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर दो कंसेप्ट आता है, ट्रांजिटरी पॉजिटिव इनकम एंड ट्रांजिटरी निगेटिव इनकम। मीन्स ट्रांजिटरी पॉजिटिव इनकम क्या है और ट्रांजिटरी निगेटिव इनकम क्या है। अब हम लोगों को ये देखना है, ट्रांजिटरी पॉजिटिव इनकम क्या है जिसमें आपको रुपया मिल रहा है, और ट्रांजिटरी निगेटिव इनकम क्या है जिसमें आपको रुपया मिलने के बजाय आपका रुपया कट रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप कोई लॉटरी जीतते हो तो आपको क्या हुआ, आपको रुपया मिलेगा,
So this will be considered as transitory positive income. But suppose कीजिए आप ऑफिस नहीं गए और आप प्राइवेट कंपनी में हो तो आपका रुपया कटेगा. Then it is called as transitory negative income. So sudden gain or loss in the income, sudden gain or loss in any income. So that can be considered under transitory income. And I hope आपको permanent income और transitory income में difference समझ में आया होगा. तो उन्होंने क्या बोला था कि consumption will be the function of permanent income and transitory income will not produce any change or variation in short run. And this was the इसके लिए इनको criticize भी किया है क्योंकि वो transitory income का जो role होता है वो उसको neglect कर दिया. ये नहीं बताएं कि ट्रांजिटरी, वो बोलना चाह रहे थे कि ट्रांजिटरी इनकम का फ्रेडमैन कि ट्रांजिटरी इनकम का कोई रोल ही नहीं है इन डिटरमाइनिंग द कंजम्पशन फंक्शन. सो दिस इज आल्सो अ कंजम्पशन, सॉरी दिस इज सॉरी क्रिटिसिज्म दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन. सो यहां पे आपको क्या समझना है, कंजम्पशन विल बी द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम. इतना मेरे को लगता है आप समझ चुके हो गए. नाउ क्वेश्चन कुछ कुछ आता है कि आप तो समझा दिए, आप तो बता चुके हो कि परमानेंट इनकम क्या होता है, बट द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट परमानेंट इनकम. परमानेंट इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. जस्ट अ सेकेंड, परमानेंट इनकम को कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, परमानेंट इनकम इन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू परमानेंट इनकम. वो पर इसको पढ़ना कैसे, देखिए परमानेंट इनकम इन पी, यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा, परमानेंट इनकम पी को डिनोट किए इन टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू ट्रांजिटरी इनकम वाई टी प्लस सॉरी इनकम इन टाइम पीरियड टी, इस इनकम में इस टाइम पीरियड में जो मेरे को इनकम मिल रहा है, प्लस वन माइनस बीटा वाई पी टी माइनस वन. अब एक यहां पे न्यू टर्म आ गया, तो यहां पे वाई पी टी क्या है, परमानेंट इनकम इनकम इन पीरियड टी, एंड बीटा क्या है, रेट ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ वेटेज. वेटेज फॉर एनुअल मेजर्ड इनकम इन द पास्ट, एनुअल मेजर्ड इनकम इन पास्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पास्ट में जो वैल्यू था, जितना आप वेल्थ को मेजर किए वो कुछ वैल्यू आया होगा आप पास्ट ईयर में, बट करेंटली आपका उस वैल्यू में कुछ डिक्रीज आएगा. जैसे कि आप एक मशीन के ऑनर हो और उस एक साल के बाद उस मशीन के वैल्यू में कुछ गिरावट आएगी, कुछ कमी आएगी, तो अब उसका जो वैल्यू होगा वो जितना से घट रहा है, तो अब कैलकुलेट करेंगे टोटल वेल्थ, जो जितना से घटेगा वो मेरे को बी देगा. क्या है, रेट ऑफ डिक्लाइनिंग वेटेज फॉर एनुअल मेजर्ड इनकम इन द पास्ट. पास्ट से जितना डिफरेंस, आप ऐसे समझिए कि पास्ट में मेजर्ड वेल्थ से जितना डिफरेंस है वही बी बताएगा. बी क्या है, पास्ट से पास्ट वैल्यू से जितना डिफरेंस या जितना कमी आया है दैट विल बी कॉल्ड एज बी, और इसका वैल्यू 0.33 के इक्वल होता है. सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परमानेंट इनकम. अब हम लोग जब एक बार परमानेंट इनकम निकाल लेंगे तो हम लोग कंजम्पशन इजीली निकाल सकते हैं. सी इज इक्वल टू के फंक्शन ऑफ बीटा वाई वन वाई टी प्लस वन माइनस बीटा वाई पी टी माइनस वन. देखिए यहां पे हम लोग इनकम कैलकुलेट किए एंड वी नो दैट कंजम्पशन विल बी द फंक्शन ऑफ वाईपी, वाईपी का फंक्शन होगा. तो परमानेंट इनकम का ये फॉर्मूला है, और आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट दिस कंजम्पशन फंक्शन.
अब ये कंजम्पशन फंक्शन हम लोग पाएंगे जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज दिस इज अ इनकम, परमानेंट इनकम. यू शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू इक्वेशन. इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दे रहा है, इक्वेशन फर्स्ट आपको परमानेंट इनकम का फॉर्मूला दे रहा है. तो आप परमानेंट इनकम के थ्रू, परमानेंट एंड कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, कंजम्पशन जो है फंक्शन है परमानेंट इनकम को. तो यहाँ इसको फंक्शन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले आएंगे, और उसके बाद जब हम लोग इसको पुट करेंगे वो परमानेंट इनकम का वैल्यू, देन वी विल गेट कंजम्पशन इन टाइम पीरियड एंड मीन्स परमानेंट कंजम्पशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू. अब हम लोगों को जब ये वैल्यू मिला तो इससे अब हम लोग कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और कुछ डायग्राम बना के प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे. तो ये आ गया परमानेंट इनकम का फॉर्मूला. अब इससे रिलेटेड दो मेन कंसेप्ट है जो हम लोगों को समझना है. एक है क्या कि शॉर्ट पीरियड में, फ्राइडमैन बोलते हैं कि शॉर्ट पीरियड का जब बात होगा, शॉर्ट पीरियड में एपीसी विल बी ग्रेटर देन एमपीसी, जस्ट रिवर्स व्हाट वाज देयर, मीन्स जस्ट रिवर्स नहीं है, सेम टू सेम व्हाट वाज इन द एब्सोल्यूट इनकम. शॉर्ट रन में ये होगा, और लॉन्ग रन का जब बात आएगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, एमपी विल बी इक्वल टू एपीसी. देखिए फिर से समझने का कोशिश करते हैं, एपीसी और एमपीसी प्रैक्टिकली है क्या, अब ये हम लोग समझते हैं. एपीसी क्या है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आपका जो टोटल इनकम है उसमें आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एपीसी, मीन्स टोटल कंजम्पशन इन टोटल इनकम. सपोज आवर इनकम इज 100 रुपीज एंड वी आर कंज्यूमिंग 60 out of 100. सो वट विल बी दी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट विल बी इक्वल टू 60/100, दैट विल बी इक्वल टू 0.6%. वी कैन से दैट वी आर कंज्यूमिंग अराउंड 0.6%. बट वॉट इज एमपी, एमपी क्या है कि इट विल बी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन मीन्स चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. जितना कंजम्पशन में, पहले अगर हम 100 में साइड कर रहे थे, अब 110 हो गया मेरा इनकम, अब ये 80 हो गया. सो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंजम्पशन, 20, एंड व्हाट इज द चेंज इन इनकम, दैट इज 10 2. सो अब फ्राइडमैन क्या बोलते हैं, व्हेन वी आर कंसीडरिंग शॉर्ट रन सिचुएशन, इन शॉर्ट रन एपीसी विल बी ग्रेटर देन एमपीसी. एपीसी जो होगा वो हमेशा एमपीसी से ग्रेटर होगा. बट इन लॉन्ग रन एमपी विल बी एपीसी, मतलब आप जनरल सोच सकते हो, लॉन्ग रन में आप अगर उतना, आपका हैबिट हो जाएगा कि आप उतना ही कंज्यूम करो जितना आपका इनकम बढ़ रहा है, आप एक फिक्स स्लैब बना लेते हो और इंटायरली खत्म करने लगते हो. मतलब वहां पे क्या है, एमपी विल बी इक्वल टू एपीसी, ठीक है, एपीसी. और शॉर्ट रन में फिर से समझने का कोशिश करते हैं, शॉर्ट रन में क्या है, एपीसी विल बी लेस देन एमपीसी. ऐसा क्यों है, बिकॉज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको कुछ और कहीं पे करना होगा खर्चा जिसके कारण से ऐसा हो रहा है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ये दो मेन चीज है, दो मेन कंक्लूजन आप बोल सकते हो इस थ्योरी का, जो थ्योरी देता है. अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं. इधर इनकम है मेरा, इधर कंजम्पशन है, ठीक है. ये हुआ लॉन्ग रन कर्व ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ये है कोई शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन सी एस वन व्हेन आवर इनकम वन वाई वन. नाउ ड्यू टू सम चेंजेस आवर इनकम इंक्रीज एंड कंजम्पशन फंक्शन मूव टू शिफ्टेड, नाउ आवर इनकम इज वाई. सो दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. बट सपोज दिस विल बी लॉन्ग इन लॉन्ग रन, अगर जब मेरा इनकम था ओ वाई वन तो मेरा कंजम्पशन था इतना ई वन, ई वन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम थे. और अब ड्यू टू इनकम चेंज, अब इनकम चेंज हो गया और हम लोगों का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ आया, ई टू पे आ गया, क्योंकि इनकम ओ वाई वन से ओ वाई हो गया. बट सर्टेन कुछ टाइम बाद अगर इनकम घट जाएगा तो ये क्या होगा, ई टू से ई थ्री, मतलब इस पॉइंट पे आएगा. और आप यहां से देख सकते हो कि शॉर्ट रन में यहाँ पे आएगा, फिर लॉन्ग रन में अगर आएगा, फिर लॉन्ग रन में अगर इनकम इंक्रीज करेगा या शॉर्ट रन में इनकम इंक्रीज करेगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है,
E3 से E2, बट इन लॉन्ग रन आप लॉन्ग रन को कंसीडर कर रहे हो, देन एमपीसी विल बी इक्वल टू एपीसी. अगर आप शॉर्ट रन को कंसीडर कर रहे हो, देन एपीसी विल बी ग्रेटर देन एमपीसी. सो दिस वाज मेन टू थिंग दैट दिस थ्योरी गिव्स यू द आइडिया. ये दो तीन चीज बताता है कि शॉर्ट रन में मेरा एवरेज जो होगा, सबसे पहले कि परमानेंट इनकम पे डिपेंडेंट होगा, उसके बाद शॉर्ट रन में क्या सिचुएशन है और लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन है, इसका आइडिया देता है हम लोगों को. अब इसका कुछ ड्रॉबैक या ड्रॉबैक समझने का हम लोग कोशिश करते हैं. तो ड्रॉबैक क्या है कि बोलता है इन लॉन्ग रन एपीसी विल बी एमपीसी. तो आप इसको गौर कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जो है वो मार्जिनल के बराबर होगा, बट ऐसा नहीं होता है. आप लोग अगर पुअर फैमिली से देखो, पुअर फैमिली को देखे होगे, तो उसका एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बिकॉज उनका जो इनकम बढ़ता है, जब बढ़ता है तो वो और सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो जो उनका बचा हुआ काम था, जो जो उनका बचा हुआ डिजायर था, वो उनको पूरा करना चाहते हैं, जिसके कारण से एमपीसी जो होता है उनका कम होता है एज कम्पेयर टू एपीसी. तो ये जो थ्योरी है वो गलत हो गया. दूसरा था क्या था, ये बोलते ये एमपीसी जो बोले थे, ये हम स्टार्टिंग में जो बताए थे आपको कि ट्रांजिटरी इनकम रोल नहीं प्ले करता है, ये इसको भी गलत बोलते हैं. बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांजिटरी इनकम कोई रोल नहीं प्ले करेगा. आप ऐसा तो है नहीं कि आपको लॉटरी लगेगा और आप सारा इनकम जो है, अगर आप कंजम्पशन कुछ नहीं करोगे ट्रांजिटरी इनकम का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सेविंग विल बी इक्वल टू जीरो, मीन्स सेविंग इंटायर इनकम विल बी स्टोर्ड इन सेविंग एंड कंजम्पशन विल बी इक्वल टू जीरो. अब प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि आप अगर लॉटरी जीत गए, तो लॉटरी जीतने के बाद आप सारा, ऐसा तो नहीं है तुरंत जाके बैंक में जमा करोगे और उससे कुछ कंज्यूम ही नहीं करोगे. सो होल होतकर करके एक इकोनॉमिस्ट है जो कि इसको क्रिटिसाइज किए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस वन इज नॉट राइट. उसके बाद है तीसरा, ये जो है परमानेंट इनकम. हम तो आपको शॉर्ट में बताएं हाउ टू कैलकुलेट, मीन्स डायरेक्ट हम आपको परमानेंट इनकम का फॉर्मूला बता दिए, बट आप रियल में परमानेंट इनकम फाउंड करने जाओगे देन यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम. सो दिस वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज ड्यू टू लॉन्ग नेचर ऑफ इट्स लॉन्ग नेचर, यू कैन सी. नाउ वट वी विल स्टडी, सो आज हम लोग ये देखे. अब हम लोग नोट्स तो आज मुश्किल है, अब ये वीडियो कभी भी खत्म हो सकता है, तो मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा आपको बता दूँ. देखते हैं अब हम लोग रिटेन में क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, या फिर आप किसी बुक को फॉलो करके आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई वो नहीं है. सो व्हाट इज परमानेंट इनकम? बोथ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एंड रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रिलेट्स कंजम्पशन विद द करेंट इनकम. यहाँ पे क्या बता रहा है, दोनों करेंट इनकम से रिलेट करता था. अब आइदर इट वॉज एब्सोल्यूट और रिलेटिव, रिलेटिव रिलेटिव करेंट इनकम से और एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट करेंट इनकम से रिलेट करता था. बट मिल्टन फ्राइडमैन रिजेक्टेड द करेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड डेवलप्ड अनदर थ्योरी ऑफ कंजम्पशन. वो इसको ही रिजेक्ट कर दिया और बेस क्या बना लिया, परमानेंट इनकम को. एंड दैट इज पॉपुलरली नोन एज परमानेंट इनकम, नॉट द करेंट इनकम विच डिटरमाइंस द लेवल ऑफ करेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो ये क्या बताएं कि ये जो करेंट इनकम डिटरमाइन नहीं करता, ये कौन सा इनकम डिटरमाइन करता है, परमानेंट इनकम. सो सी विल बी द फंक्शन ऑफ वाई पी और सी विल बी इक्वल टू ट्रांजिटरी इनकम प्लस परमानेंट इनकम. नाउ वाई टी इज इक्वल टू ट्रांजिटरी इनकम एंड वाई पी इज इक्वल टू परमानेंट इनकम. नाउ वॉट इज परमानेंट इनकम? इट इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द मीन ऑफ ऑल इनकम्स एंटिसिपेटेड बाई हाउस होल्ड इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में आप जिससे जिससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मेरे को कुछ रुपया दे सकता है अगर मैं इसे बेचूं, या तो इसका कुछ वैल्यू होगा मार्केट में और मेरे कुछ कुछ इसका प्राइस मिलेगा, तो वो सभी का हम लोग मीन लेते हैं. मीन मतलब सम करते हैं, जो हमें मिलता है दैट विल बी कॉल्ड एज एन परमानेंट इनकम. नाउ इफ ऑल मटेरियल फाइनेंशियल सो ये आपके काम का नहीं है परमानेंट इनकम, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. देन हाउ टू कैलकुलेट परमानेंट इनकम?
सो परमानेंट इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले परमानेंट इनकम निकाले, परमानेंट इनकम इन टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू वाई टी प्लस वन माइनस बीटा वाई पी टी माइनस वन। नाउ व्हाट इज वाई पी टी, परमानेंट इनकम इन पीरियड टी, बीटा क्या है, रेट ऑफ डिक्लाइनिंग वेटेज फॉर एनुअल मेजर्ड इनकम इन द पास्ट, जितना पास्ट में वैल्यू था उससे कितना वेटेज घटा है वही बीटा है, और बीटा का वैल्यू 0.33 है। और जब हम बीटा वाई पी टी का वैल्यू पुट करेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन निकालेगा निकलेगा, बिकॉज इट इज द फंक्शन, कंजम्पशन विल बी द फंक्शन ऑफ इनकम। सो हमें कंजम्पशन फंक्शन निकलेगा। उसके बाद है ट्रांजिटरी इनकम का कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता कुछ रिटेन आपको चाहिए। और अब हम लोग मेन जो है इसका ड्रॉबैक देखते हैं, सबसे पहले ड्रॉबैक देखते हैं, और इसमें मेन पॉइंट हम लोगों को याद क्या करना है कि शॉर्ट रन में कैसा नेचर होगा एपीसी और एमपीसी के बीच में, एंड लॉन्ग रन में क्या होगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इन लॉन्ग रन एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी थ्रू आउट। तो क्या बोलते हैं कि लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी हमेशा सेम रहेगा। दिस मीन दैट रिच एंड पुअर कंज्यूम द सेम प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने इनकम का सेम प्रपोर्शन वो खर्चा करेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर। बट दिस वॉज क्रिटिसाइज बाई मोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल ग्राउंड, बट रियल ग्राउंड पे इसको क्रिटिसाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल ग्राउंड। और एक फ्रेंड एंड कार्वेस नाम के साइंटिस्ट थे जो कि बोलते हैं ऐसा नहीं है, आप पुअर हाउस होल्ड के केस में ये गलत बता रहे हो। दूसरा है हॉथकर हैज क्वेश्चन फ्राइडमैन कंक्लूजन दैट एमपीसी ऑफ ट्रांजिटरी इनकम इक्वल्स ही, क्या बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो जो लॉटरी वाला बात है वो बताते हैं। इट इज पॉसिबल दैट व्हेन द वैलेट ऑफ अ पर्सन इज स्टॉलन ही और सी कट्स डाउन हिज और हर शॉपिंग, बट इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट व्हेन अ पर्सन हैज अ लकी डे एट रेस ही और सी रन्स टू हर सेविंग बैंक। बट तो ये क्या, ये इस फैक्ट को हमेशा मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि ट्रांजिटरी पॉजिटिव और निगेटिव एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन आर नॉट कोरिलेटेड, कि आपको जो इनकम मिला ट्रांजिटरी पॉजिटिव एंड ट्रांजिटरी निगेटिव, जो आपका इनकम लॉस हुआ वो आपके ट्रांजिटरी कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो ये क्या बोलते हैं कोरिलेटेड नहीं है। तो उसी को ये क्रिटिसाइज किए हैं, जो फ्राइडमैन बोलते हैं कोरिलेटेड नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, उसको क्रिटिसाइज किए थे। एंड द थर्ड वन इज इट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर हाउ टू फाइंड आउट द परमानेंट इनकम दिस थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज। सो आई होप आप लोगों को सारे सारे अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, और अगर आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नहीं भी आया तो भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को पता तो चले कहाँ नहीं आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आई विल सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगा होगा और आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू, बाय बाय।